हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और सुबह की जो अपडेट है उस अपडेट के बारे में हम लोग ये वीडियो लेकर आए हैं। क्या क्या चीज़ें हैं, फेज वन, फेज टू, फेज थ्री के लिए क्या न्यूज है, फेज फोर के लिए क्या न्यूज है, सारी चीज़ें हम लोग बताएंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप अपने चैनल पर नए हो तो बिना कुछ सोचे समझे सबसे पहले आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने न्यूज की तरफ। तो आज की जो न्यूज है वो है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि लास्ट डेट फॉर सीट कन्फर्मेशन फी सबमिशन फॉर कैंडिडेट्स अलॉटेड सीट इन फेज वन एंड फेज टू ऑफ काउंसलिंग एक्सटेंडेड टिल दिसंबर 7, यानी 7 दिसंबर तक डेट जो बढ़ाई गई थी। तो आज जो है 7 दिसंबर है और आज जो है लास्ट डेट है, इसके बाद डेट हो सकता है ना बढ़ाई जाए। तो इसलिए अगर आपने अभी तक फीस पेमेंट नहीं किया है तो जल्दी जाओ करा दो, नहीं ऐसा ना हो कि आपने 5,750 रुपये पे भी कर दिए और सीट कन्फर्मेशन पेमेंट भी आप ना कर पाओ। तो जल्दी से जाइए और अपनी सीट कन्फर्मेशन पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि कुछ लोग हैं मेरे पास कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं सर हो सकता है डेट अभी और एक्सटेंड हो जाए। तो एक समय के लिए आप सोच लो नहीं एक्सटेंड हुआ तो आप क्या करोगे, तो इसीलिए आज ही जाकर आप करवा दो। बाकी जो फेज थ्री वाले हैं उनकी भी आज ही लास्ट डेट है 7 दिसंबर, उनकी भी अब हो सकता है। मे भी बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि बढ़ जाएगा सर बढ़ जाएगा, हम कह रहे हैं नहीं बढ़ेगा तो क्या करोगे तुम, तो इसलिए आज ही जाओ। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप तुरंत जाओ इसको आप करवा दीजिए। हालांकि फेज थ्री वालों को अभी एक भी बार डेट एक्सटेंड नहीं हुई है, अभी इनकी वही डेट चल रही है जो 5-6-7 को मिली है इनको। तो अभी एक्सटेंड नहीं होगी तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आप जाओ आज ही अपना जो है फीस पेमेंट करवा दीजिए। अगर कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हो। उसके बाद में बात करें, सेकंड पॉइंट पढ़िए, लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम 1 to 2,14,000 एंड रैंक 2,40,001 टिल इंड फेज 4 हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 6 PM ऑन दिसंबर 8, 2020। कैंडिडेट रजिस्टर्ड टिल दिस टाइम कैन फिल देयर चॉइसेस टिल 11:59 PM ऑन दिसंबर 8। यानी कि जो फेज 4 वाले बच्चे हैं या जो पहले काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाए हैं फेज 1, फेज 2, फेज 3 के, उन सारे लोगों की जो काउंसलिंग की डेट है वो 8 दिसंबर तक रखी गई है। ठीक है, तो आप 8 दिसंबर तक जाकर जो है अपना रजिस्ट्रेशन, अपनी काउंसलिंग करवा सकते हो जो लोग बचे हैं। बाकी पूल काउंसलिंग जो है ये स्टार्ट होने वाली है, जैसे ही जितनी भी सीटें जिस कॉलेज में खाली होंगी उन सारी पर अपडेट मैं लेकर आपके पास आ जाऊंगा। तो अगर आप किसी कारणवश अभी नहीं करा पाए हो तो पूल काउंसलिंग में भी आपको मौका मिलेगा। बिल्कुल ना घबराओ कि मुझे मेरी चॉइस का अब नहीं मिलेगा, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मिल जाएगा सब कुछ। ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो मैं इन सारे बारे में बताऊंगा क्या क्या चीज़ें आपको रखनी है, कैसी चीज़ें आपको रखनी है। बाकी आज शाम को स्कॉलरशिप की सावधानियों पर हम लोग वीडियो लेकर आएंगे, स्कॉलरशिप पर जो भी अपडेट है वो मैं आपको दूंगा, तो आज शाम की वीडियो में आएगी वो। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, उसके लिए आप वेट करिए। तो यही न्यूज थी। बाकी फेज फोर वाले जो सबसे ज्यादा गलती कर रहे हैं, जो उनकी सावधानियां हैं, वो यही सावधानी आपको रखनी है कि आप लोग, बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर कि सर जो है मैं सिर्फ 2 कॉलेज चूज कर रहा हूँ, मैं 3 कॉलेज चूज कर रहा हूँ। तो देखो भाई, 2-3 कॉलेज ना चूज करो। अब किसी कॉलेज में इतनी सीटें नहीं है, किसी कॉलेज में 50-50 सीटें नहीं बची, बहुत कम ही कॉलेज हैं जिसमें 50 सीटें बची होंगी। अब कहीं कॉलेज में 10 सीटें हैं, किसी कॉलेज में 22 सीटें हैं, किसी में 18 सीटें हैं, मैंने देखी है पूरी लिस्ट। ठीक है, तो ऐसे इसी कॉलेज में सीटें बची हुई हैं, तो आप जो है बिल्कुल भी घबराएं नहीं। जो भी सीटें हैं लगभग आप अपने डिस्ट्रिक्ट के ही सारे कॉलेज चूज करिए, और बाहर का ना चूज करिए, डिस्ट्रिक्ट के ही आप सारे कॉलेज चूज करिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉलेज चूज करने की कोशिश करिए। ठीक है, वैसे प्राइवेट कॉलेज, अब कुछ लोग क्या होंगे कि प्राइवेट कॉलेज जो है वो एक चूज कर देंगे, घर के बगल वाला बस छोड़ देंगे, ऐसा ना करो ना। अपने डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, तो प्राइवेट कॉलेज में ऐसा तो होता नहीं कि आप कॉलेज जाओ, कॉलेज जाना मैंडेटरी है ये है। अगर आपको थोड़ा दूर भी कॉलेज मिल जाएगा तो घबराना नहीं है ना आपको, आप अपना आराम से वहाँ बात कर लीजिएगा। और बात तो आप लोग कैसे किया जाता है यूपी में आप सबको पता ही है। ठीक है, तो आप अपना वहाँ पर मैनेज कर लीजिएगा, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, शाम वाली बैच में। जो शाम वाली वीडियो होगी उसमें हम लोगों को सीधा जो है स्कॉलरशिप पर अपडेट हम लोग देंगे आपको, क्या क्या स्कॉलरशिप में करना है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, सारी चीज़ें हम बताएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।